नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राधे माँ की खबर के साथ। राधे माँ की भक्ति दिल्ली पुलिस को दरअसल महंगी पड़ी है। दिल्ली पुलिस के SHO को राधे माँ की कुर्सी पर बैठाने का ये मामला तस्वीर आज तक ने दिखाई, जिसके बाद SHO समेत 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। राधे माँ को अपनी कुर्सी पर बैठाने वाले SHO संजय शर्मा को लाइन हाजिर किया गया। इस मामले की जाँच शाहदरा के DCP के जिम्मे है। जांच पूरी होने के बाद SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले महीने का मामला 28 तारीख का, जिस दिन महाअष्टमी थी, और इस दिन क्योंकि राधे माँ दरअसल एक रामलीला देखने पहुंची थी और इस दौरान पुलिस कर्मियों के संपर्क में आई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीर आपके सामने। एक तरफ दारू कुर्सी पर राधे माँ को बैठा दिया तो उनका लाल दुपट्टा गले में डाले हुए हाथ जोड़कर नतमस्तक दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ गीत गाते हुए दिखाई दिए। और ये वीडियो सामने तब आया जब राधे माँ ने इसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और कैसे राधे माँ दिल्ली के विवेक विहार थाने पहुंची और किस तरह थानेदार साहब ने राधे माँ को अपनी सरकारी कुर्सी पर बैठा दिया। इस दौरान SHO हाथ जोड़े राधे माँ के सामने नतमस्तक दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। तस्वीर में विवादास्पद धर्मगुरु राधे माँ दिख रही हैं। कमरे में कुछ पुलिस वाले भी भक्त की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। ये वही राधे माँ है जो हाथ में त्रिशूल लेकर अपने भक्तों के बीच अजब गजब मुद्रा को लेकर चर्चित रहती हैं। अब राधे माँ की ताजा तस्वीर पर लौटते हैं। तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार थाने की है। कमरा थाने के SHO का है। जिस कुर्सी पर SHO संजय शर्मा को होना चाहिए था, उस कुर्सी पर राधे माँ विराजमान है और खाकी वर्दी के इज्जत से बेपरवाह दारोगा साहब भक्त की मुद्रा में हाथ जोड़े राधे माँ के सामने अभिभूत से खड़े हैं। वर्दी के ऊपर उन्होंने माता रानी की चुनरी डाल रखी है, मानो वो अपने कर्तव्यों के मंदिर यानी थाने में न होकर किसी देवी के मंदिर में खड़े हों। जब थाने के मुखिया का ये हाल हो तो फिर दूसरे पुलिस वाले कैसे पीछे रहते। राधे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए वो भी कतार में लग गए। विवेक विहार थाने की ये तस्वीर नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी की है। इस बारे में जब हमने SHO से बात करने की कोशिश की तो वो कन्नी काट गए। थाने के कांस्टेबल का कहना है कि राधे माँ रामलीला में आई थी, काफी भीड़ जुटने की वजह से SHO उन्हें थाने ले आए। कितने करीब आई थी रात को? घूमने आई थी ना, यहाँ बता तो साहब आए थे दर्शन सुन के चल रही है। वैसे आ रखी थी इसमें रामलीला, उसी यहाँ पर कोई थाना वाला है उसके वहाँ। साहब ने बुलाया था क्या थाने में? नहीं, सर मैं भी बुला था, कोई लाला बस के यहाँ रखी थी। अच्छा, तो फिर यहाँ से क्या होगा रामलीला वगैरह का प्रोग्राम देखने को होगा, मन हाँ हाँ ले क्या हो रखा है रामलीला के मूड में। फिर यहाँ पर भीड़ जुड़ी, अब क्या करें, पुलिस तो कंट्रोल करेगी, मतलब भीड़ जुड़ेगी, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसी लौटी थी नहीं अंदर ले गया अंदर ऊपर भीड़ देखते कंट्रोल। आपको बता दें कि राधे माँ दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और धमकाने समेत कई तरह के आरोपों से घिरी हैं। हाल ही में संतों की एक संस्था ने उन्हें फर्जी संत घोषित किया है। ऐसे में एक थाने में राधे माँ के प्रति इतनी श्रद्धा कहाँ तक उचित है? सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा वजहों से राधे माँ को थाने में लाया भी गया तो उन्हें दारोगा की कुर्सी पर बैठाने की क्या जरूरत थी? हर कुर्सी की एक मर्यादा होती है, क्योंकि ये कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर की है। इस जगह पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसे इसका हक है। दूसरी बात, इन तस्वीरों में तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि राधे माँ सुरक्षा के लिए पुलिस की शरण में है, उल्टा पुलिस वाले राधे माँ की शरण में नजर आ रहे हैं। ऐसा करते हुए पुलिस वाले अपनी ड्यूटी की मर्यादा और वर्दी की इज्जत भी भूल गए। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक।